नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के शेयर के बारे में। दोस्तों, ऐसे जो पेनी स्टॉक्स है, जो मतलब स्टॉक्स बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन वाले हो चुके हैं, उनमें रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन आपको बता दें, आपको जो अच्छे स्टॉक्स है, जो अभी मार्केट के लीडर स्टॉक्स है, उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में किसी भी दिन भारी गिरावट आ सकती है। जैसे आज के दिन भी 500 पॉइंट का गिरावट है निफ्टी में, वहीं सेंसेक्स में 2000 पॉइंट्स का गिरावट है। तो ऐसे में अगर आप अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको अभी गिरावट के मार्केट में अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रहे हैं, और जैसे मार्केट में तेज़ी आती है, मोमेंटम आता है, तो वो स्टॉक्स आपको बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाता हुआ मिलेगा। मतलब वो अपने प्राइस को बहुत ही तेज़ी से रिकवर भी करता है अगर वो तेज़ी से नीचे आता है तो। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स है, जो छोटे छोटे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स आपके मनी को सेव करके नहीं रख पाएगा ऐसे गिरावट वाले मार्केट में। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हम यस बैंक के शेयर के बारे में बताएं, तो हम आज यस बैंक के बारे में बताएंगे कि इसमें कैसे पीछे का घटना रहा और आगे आपको क्या करना चाहिए, और इसमें जो भी घटनाएं हुई है उसे थोड़ा ब्रीफ में संक्षेप में हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए, उससे पहले बता दें, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन को दबाकर, और बगलगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हम यस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका करंट मार्केट प्राइस देख लीजिए। आज जो मार्केट प्राइस है इसका, वो है 27 रुपीज़ 10 पैसा, और ये आज 80 पैसा डाउन है। आज बहुत ही तेज़ गिरावट आया था सेंसेक्स में और निफ्टी दोनों में, 500 पॉइंट का गिरावट था निफ्टी में, तब ये हमारा 2.87% डाउन है। मतलब 5 से 6% के बीच निफ्टी में गिरावट था, तो वहीं इसमें 2.87% देख सकते हैं, इसमें गिरावट है देखने मिला है। तो इसमें आप चार्ट देखिएगा तो कुछ इस तरह का चार्ट है। कभी ये शेयर 400 रुपीज़ का हुआ करता था, और जो भी व्यक्ति 400 रुपीज़ प्राइस पे इसमें इन्वेस्ट किया, उनका सारा का सारा रुपया डूब गया। उसके बाद इसमें गिरावट आता है, बहुत ही शेयर नीचे आया, उसके बाद भी कई सारे लोग इसमें इन्वेस्ट किए, तो शेयर जो है नीचे 5 रुपीज़ तक आ गया था। 5 रुपीज़ आने के बाद इसमें जब इन्वेस्ट किया गया, तो ये शेयर जंप किया, और जंप करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप 87 रुपीज़ तक यहाँ पर देख सकते हैं 87 रुपीज़ तक गया ये आगे। और फिर इसमें देख सकते हैं लगातार गिरावट, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार गिरावट इसमें होते आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो इसमें बस थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम देखने मिलता है, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन। तो यहाँ पर जो ये ऊपर गया था 87 रुपीज़ तक, ये था कि जैसे ये शेयर नीचे आया 5 रुपीज़ तक, उसके बाद 10 रुपीज़ के वैल्यूएशन पर बहुत सारे बैंक ने इसे बचाने के लिए इसमें इन्वेस्ट किया। बड़े बड़े बैंक जो है हमारा, जैसे कोटक बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, उसी तरह से SBI बैंक, तो सारे बैंक मिलकर के इसमें इन्वेस्ट किया कि इस बैंक को बचाना है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, ह्यूज क्वांटिटी उठाया, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में क्वांटिटी यहाँ उठाया, और 10 रुपीज़ पर जो वो भारी मात्रा में क्वांटिटी उठाए, उसे हायर प्राइस में वो 25% उसका बेच दिए, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। आप इसमें कोई भी शेयर बाय करते हैं तो आपका जो शेयर है वो 75% लॉक इन हो जाएगा, मतलब आप शेयर बेच नहीं सकते, मात्र अपना 25% शेयर बेच सकते हैं, तो 3 साल के लिए। तो ऐसे में जो बड़े बड़े बैंक है वो भारी मात्रा में क्वांटिटी को उठाया, और जो हायर प्राइस है यहाँ पर 87 रुपीज़ यहाँ पर गया, तो यहाँ से उन्होंने अपना क्वांटिटी हायर प्राइस पर सेल किया, जिससे देख सकते हैं ये स्टॉक्स लगातार नीचे आते चला गया। तो इस तरह से उन्होंने जो अपने हायर प्राइस पर 25% बेच करके अपना तो मनी रिकवर कर लिया, अब वो इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो इस तरह से आपको रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी इसमें तेज़ मोमेंटम आ जाता है 2-4 दिन, तो आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए और अपना मनी बेवजह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप जो है धैर्य बनाए रखें और इस गिरावट वाले मार्केट में अच्छे जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो आपको अभी इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे के वैल्यू पर मिल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू होता है जो रियल वैल्यू होना चाहिए किसी भी स्टॉक का, उससे ज़्यादा वो नीचे के वैल्यू पर मिल रहा है आपको। तो ऐसे में आप इन्वेस्ट करें ब्लू चिप कंपनी में। और यस बैंक में आप देख सकते हैं कि ये लगातार यहाँ से गिरावट आपको देखने मिल रहा है। ये हमारा है 200 डेज का मूविंग एवरेज, ये हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज, सारे एवरेज को तोड़ चुका है।
ये हमारा येलो लाइन देख सकते हैं, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लू लाइन है ये देख सकते हैं 20 डे का मूविंग एवरेज है। अभी ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से इसका प्राइस है। तो देख सकते हैं इस गिरावट वाले मार्केट में बहुत ही इसमें गिरावट हो चुकी है। यहाँ से RSI देखिएगा तो ये है 46 के आसपास, तो 46 के आसपास RSI है। तो इस तरह से आपको हम कहना चाहेंगे कि यस बैंक में आप इन्वेस्ट ना करें, आपको अभी वेट करना चाहिए। 2-4 क्वार्टर का रिजल्ट इसे देखिए कि यस बैंक कैसा परफॉर्म करता है, और आगे जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट हमारा इसका परसों आने वाला है, 6 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इसके रिजल्ट पर ध्यान रखिए कि रिजल्ट कैसा आता है, इसके लोन में कितना परसेंट का इंक्रीज होता है, कितना लोन रिकवर होता है। अगर यस बैंक का लोन रिकवर हो जाता है तो निश्चित है कि ये बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा आगे चल करके, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 2-4 क्वार्टर का रिजल्ट अवश्य देखें कि इसका लोन कैसा रिकवर होता है, लोन कैसा परफॉर्म करता है, मतलब इसका एसेट कैसा परफॉर्म करता है। तो बैंक का जो रिजल्ट होगा 2-4 क्वार्टर देखने के बाद ही आप इसमें निर्णय ले पाएंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 साल के लिए आपका जो लॉक इन पीरियड है वो लॉक हो जाएगा आपका शेयर 75%। तो ऐसे में आप अपना जो है थोड़ा सा रिसर्च कर लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लें, तब जाके इन्वेस्ट करें। ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को जो 10 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपीज़ के स्टॉक्स होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इसमें हम 1000 क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 1000 क्वांटिटी लेने से भी आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होता, बल्कि आपका जो कैपिटल है वो लॉस में जाता है, तो आपके लिए दिक्कत की बात है। लेकिन अगर आप एक ही शेयर खरीदते हैं 1000 रुपये का, अगर वो शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करता है तो बहुत ही अच्छा है। अभी आपको 1000 रुपये में बहुत सारे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स मिल जाएंगे, टाइटन के मिल जाएंगे आपको, जो HDFC बैंक है वो आपको 1000 रुपये से नीचे 900 रुपये मिल जाएंगे, टाइटन अभी आपको 800 रुपये, 850 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे अच्छे स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्ट करें, ना कि बल्कि 1000 रुपये का इसका बहुत सारे क्वांटिटी ले लिए। तो उससे अच्छा है कि आप एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो आपको आगे चल करके अच्छा रिटर्न देगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।